हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिश्री और वे ऑफ सक्सेस। और यहां पर जानेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर 5 का हमारा पार्ट सेकंड वीडियो है। पार्ट वन वीडियो आपके मेरे प्यारे बच्चों डाल दिया गया है, जाके आप वहां से प्यारा सा नोट्स अपने लिए बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों की आकार की हम लोग का चैप्टर चल रहा है अध्याय। और आज हम जानने वाले हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों पौधे का स्वभाव, हैबिट ऑफ प्लांट। इसके आगे मैंने आपको बताया था कि परिचय इंट्रोडक्शन में आकार की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसके बाद हम लोग जाने थे वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर प्लांट, यानी कि हम लोग देख सकते हैं पुष्पी पादपों के विभिन्न भाग कौन कौन से थे। आज हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों पौधे का स्वभाव, पौधे का स्वभाव यानी कि हैबिट, हैबिट ऑफ द प्लांट, पौधे का स्वभाव यानी कि हैबिट ऑफ द प्लांट, यानी पौधे में कौन कौन से हैबिट पाए जाते हैं, कौन कौन से स्वभाव पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, आप दो तीन नामों से जान सकते हैं। तो अगर देखें तो पौधे में प्रायः पाए जाने वाले तने की प्रकृति, जीवन अवधि तथा भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर पौधे जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अगर उनकी रहन सहन देखे और जीवन अवधि देखे, कोई पौधे ऐसे होते हैं जो कि एक महीने चलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि हजारों साल तक अपनी पृथ्वी पर जीते रहते हैं। कोई पौधे ऐसे होते हैं कि जो अपना समुद्री भोजन बनाते हैं जल से, तो कोई ऐसे हैं कि जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है साक, साक पहला क्या आता है साक, जो पहला पौधा आता है साक। तो साक हमारा क्या होता है, कोमल एवं हरे तने युक्त छोटे पौधे साक कहलाते हैं। कोमल 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 एवं हरे तने युक्त छोटे पौधे साग कहलाते हैं। तो साग क्या होते हैं, जो कोमल एवं हरे तने युक्त छोटे पौधे होते हैं उसी को हम लोग साग कहते हैं। फिर आती है झाड़ी, क्या आती हमारी, हम लोग क्या आती दूसरी, झाड़ी। ये झाड़ी क्या होती है, काष्ठी तने युक्त ऐसे पौधे जो लगभग समान लंबाई की अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं उसे झाड़ी कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, काष्ठी तने युक्त ऐसे पौधे जो लगभग समान लंबाई की अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं उसे झाड़ी कहते हैं उसे क्या कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है। अगला आता है वृक्ष, ये वृक्ष क्या होते हैं देख लेते हैं हम लोग। वृक्ष क्या होते हैं, वृक्षों में मुख्य तना काष्ठी तथा मोटा होता है तथा शाखाएं कुछ ऊंचाई के पश्चात ही उत्पन्न होती हैं। लिखेंगे वृक्षों में मुख्य तना काष्ठी तथा मोटा होता है। काष्ठी तथा क्या होता है हमारा, मोटा होता है, तथा शाखाएं कुछ ऊंचाई के पश्चात ही उत्पन्न होती हैं, तथा शाखाएं कुछ ऊंचाई के
ऊंचाई के पश्चात पश्चात उत्पन्न होती है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा एक वर्षी, क्या आता है एक वर्षी। चौथा आता है आपका एक वर्षी। ये एक वर्षी क्या होते हैं, जो पौधे अपना जीवन जीवन चक्र एक वृद्धि सत्र में पूरा कर लेते हैं उसे एक वर्षीय पौधे कहते हैं। यानी कि अपने जीवन में एक बार पूरा करने लेने पर केवल एक बार ही वो फल देते हैं, उसके बाद वो कोई ना फल देते हैं ना कोई बीज देते हैं, कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं करते, उसे एक वर्षीय कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो पौधे अपना जीवन चक्र जो पौधे अपना जीवन चक्र अपना जीवन चक्र एक वृद्धि सत्र में पूरा कर लेते हैं उसे एक वर्षीय पौधा कहते हैं, उसे एक वर्षीय पौधा कहते हैं। अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों द्विवर्षी, क्या आता है हमारा द्विवर्षी, एक वर्षीय द्विवर्षीय। अच्छा थोड़ा एग्जांपल में देखिए, क्योंकि आपके मन में उठेगा कि सर एग्जांपल में क्या होता है, जैसे सरसों गेहूं और मटर इत्यादि जितने भी होते हैं हमारे एक वर्षीय पौधे के ही अंतर्गत हमारे आते हैं। ओके चलिए अगला आता है द्विवर्षीय, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो पौधे अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं या जो पौधे अपना जीवन चक्र 2 वृद्धि सत्रों में पूरा करते हैं उसे द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। जो पौधे अपना जीवन चक्र 2 वृद्धि सत्रों में पूरा कर लेते हैं उसे द्विवर्षीय पौधा कहते हैं, उसे द्विवर्षीय पौधा कहते हैं। अब यहाँ चाहे पौधा लिखिए चाहे आप पादप लिखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आता है आपका बहुवर्षीय, क्या आता है मेरे प्यार बच्चों, छठवां बहुवर्षीय। ये बहुवर्षीय क्या होते हैं, द्विवर्षीय में जैसे मूली गाजर, क्योंकि आप जानते हैं एक वर्ष में मूली गाजर कितनी बार बुआई की जाती है, तो 2 बार तो बुआई की ही जाती है, गर्मी में एक किसमें जाड़े में। अब आता है हमारा बहुवर्षीय, आपका ये बहुवर्षीय क्या होता है, तो अनेक वर्षों तक जीवित रहने वाले काष्ठीय पौधे बहुवर्षीय कहलाते हैं और इसमें सभी वृक्ष एवं झाड़ियाँ बहुवर्षीय के अंतर्गत आते हैं। अनेक वर्षों तक जीवित रहने वाले पौधे बहुवर्षीय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुवर्षीय कहलाते हैं। अब आता है परजीवी, क्या आता है आपका जो 7वां आता है वो आता है मेरे प्यारे बच्चों परजीवी। ये हमारा परजीवी क्या होता है, चलिए देखते हैं इसको, परजीवी क्या होता है, तो ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए आंशिक रूप से दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। परजीवी क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए जो अपने भोजन
लिए, जो अपने भोजन के लिए दूसरे, जो ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर या पौधे पर निर्भर होते हैं, उसे परजीवी कहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। इसके बाद आता है रूट, यानी कि जड़। अब पौधे के हम लोग हर एक वो पॉइंट को डिस्कशन करेंगे जो आपके बुक में है, रिलेटेड है कहीं ना कहीं। चलिए हेडिंग क्या डालेंगे? जड़। अब डालेंगे जड़, यानी कि रूट। जड़ मेरे प्यारे बच्चों आपका होता क्या है? तो आवृतबीजी पादप की अक्ष की भूमिगत भाग जड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़ कहलाती है, जो भ्रूण के मूलांकुर से बनता है और मूलांकुर से प्राथमिक जड़ बनती है। मैंने आपको बताया था मूल तंत्र क्या होती है, तो जो हमारा भूमि के नीचे भाग होता है, भूमिगत भाग, उसको मूल तंत्र कहते हैं। तो जड़ जो होता है हमारा क्या होता है? प्राथमिक जड़ होता है। ठीक है ना, याद रखना है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे आवृत बीजी पादप की अक्ष का भूमिगत भाग जड़, यानी कि रूट कहलाता है, जड़ कहलाता है, जो भ्रूण के मूलांकुर से बनता है, जो जो भ्रूण के मूलांकुर से बनता है। और ये बनता कैसे है? तो जो भ्रूण होता है, जब उसका अंकुरण होता है, तभी जाके जड़ बनता है। ठीक है ना, याद रखना। जड़ पर अगर देखें तो पर्ण संधि एवं पर्व नहीं होते। जड़ पर कोई पर्ण संधि व पर्व नहीं होती, यह हमारा पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। अब आता है जड़ के सामान्य लक्षण, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों देखें तो जड़ में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे? यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जड़ के सामान्य लक्षण, जड़ के सामान्य लक्षण। जड़ के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो अगर पहला इसमें देखें मेरे प्यारे बच्चों, जड़ के सामान्य लक्षण में, तो पादप अक्ष का आधारीय भूमिगत भाग, जो प्रकाश के विपरीत अथवा गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है, उसे मूल या जड़ कहते हैं। यह किधर की ओर वृद्धि करता है? तो जाहिर सी बात है, यह हमारा प्रकाश पृथ्वी के ऊपर रहती है, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण देखें तो यह पृथ्वी के अंदर क्यों लगती है, तो यह हमारा क्या कहलाते हैं? जड़ कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे? जड़ 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 गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है, जड़ गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है। तो जड़ किधर वृद्धि करता है? गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है। जड़ों पर कलिकाएं या पत्तियां व पुष्प नहीं पाई जाती। क्या जड़ पर पुष्प पाए जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या पत्तियां पाई जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो लिखेंगे जड़ पर पत्तियां व पुष्प नहीं पाए जाते। तो जड़ों पर पत्तियां और पुष्प कुछ भी नहीं पाया जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, जो आपके लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तीसरा अगर देखेंगे तो प्रणहरिण के अभाव में जड़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारा जड़ क्या हरा रहता है? नहीं रहता है। ठीक ना, जड़ों में प्रणहरिण का अभाव होता है, प्रणहरिण का अभाव
होता है। पर्ण हरिण का भाव होता है जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। ठीक है, अब आता है सामान्य जड़ के विभिन्न भाग। हेडिंग क्या डालेंगे? सामान्य जड़ के विभिन्न भाग, यानी कि एक जड़ में कौन कौन से भाग हमारे पाए जाते हैं। तो पहला पाया जाता है मूल गोप क्षेत्र। पहला क्या पाया जाता है? मूल गोप क्षेत्र। मूल गोप क्षेत्र। दूसरा क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? विभज्योतक कोशिकाओं का क्षेत्र। विभज्योतक कोशिकाओं का क्षेत्र। तीसरा क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कोशिकीय दीर्घाकरण क्षेत्र, वृद्धि या कोशिका दीर्घाकरण क्षेत्र। ठीक है, चौथा क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? मूल रोम क्षेत्र। चौथा क्या पाया जाता है? मूल रोम क्षेत्र। फिर आता है हमारा परिपक्वन क्षेत्र। पांचवा क्या होता है? परिपक्वन क्षेत्र। फिर हमारा क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? परिपक्वन क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है वो आता है जड़ के प्रकार। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? जड़ के प्रकार। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार देखें तो पहला आता है आपका टाइप्स ऑफ रूट में। पहला देखें मूसला जड़। पहला क्या आती है? मूसला जड़। दूसरा क्या आता है? वो आता है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ क्या होते हैं? ऐसे प्राथमिक जड़ जिनका विकास मूलांकुर से होता है। इनका विकास कहाँ से होता है? विकास मूलांकुर से होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। फिर आती है अपस्थानिक जड़। तो ये देखेंगे पौधे के वे जड़ जो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। ठीक ना, किसी अन्य भाग से जो विकसित होते हैं उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और अपस्थानिक जो जड़ होते हैं यह हमारे तीन प्रकार के, दो प्रकार के। पहला झकड़ा जड़। पहली क्या होती है इसमें? झकड़ा जड़। फिर आता है बी हो गया हमारा पर्णमूल। एक और लिख लीजिए, सी हमारा क्या होता है? सत्य अपस्थानिक जड़ें। ये जो होती है ये हमारी जड़ के प्रकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में इसकी आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल यस्केम स्टडी के साथ ज़रूर जुड़े रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।